Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मंगेश यादव एनकाउंटर ने सियासी उबाल ला दिया है। अखिलेश यादव का तय मंगेश यादव के लिए योगी सरकार से भयंकर मोर्चा लेने के लिए उतर आए हैं। पहले अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को फेक बताया, सीधे सीधे कहा कि जाति देखकर मंगेश की जान ली गई है। तो अब सपा ने बड़ा फैसला लिया है मंगेश के लिए। अखिलेश यादव ने ले लिया है फैसला मंगेश के लिए जंग का, इसलिए अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सिपहसालार जाएंगे मंगेश के घर परिवार से मिलने। जी, सपा का डेलीगेशन पहुंचेगा जौनपुर, जिसकी कमान संभालेंगे विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव। लाल बिहारी यादव सपा नेताओं के साथ जौनपुर के अग्रौरा गांव में मंगेश यादव के परिवार से मिलेंगे। तो बीजेपी वाले से मुख्तार अंसारी से जोड़ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की डेथ के बाद वहां पहुंचे थे। दरअसल मंगेश के घर वाले पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, जहां एक और पुलिस का दावा है कि मंगेश एक डकैत था, उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे, 1 लाख का इनाम भी था। तो वहीं परिवार के लोग इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। मंगेश के गांव वाले भी इसे जाति विशेष का होने की सजा बता रहे हैं। वही बात दोहरा रहे जो अखिलेश यादव ने कही थी। दरअसल कल गुरुवार को सुबह तड़के मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है। इधर अखिलेश यादव का बड़ा बयान आ जाता है तो शिवपाल यादव भी इस एनकाउंटर की जांच की मांग उठा देते हैं। अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। अखिलेश यादव ने लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देख कर जान ली गई। जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है, और जब लगता है कि जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है। घोर निंदनीय। तो अखिलेश यादव सुल्तानपुर लूट कांड पर योगी सरकार तो घेर ही रहे हैं, तो वहीं इस केस में हुए पुलिस एक्शन पर भी हमलावर होते हैं। जाति को लेकर क्यों सवाल उठा रहे हैं अखिलेश, जरा उसे भी देख लीजिए कि छछेरी बाजार में सराफा कारोबारी से हुई डकैती की घटना के आरोपियों की जात का खेल है क्या। दरअसल 28 तारीख को दिन दहाड़े सुल्तानपुर में सराफा व्यापारी के यहाँ डकैती पड़ी थी। बकौल पुलिस, इस डकैती को अंजाम विपिन सिंह गैंग की ओर से दिया गया था, जिसका सरगना विपिन सिंह ने घटना के बाद रायबरेली की कोर्ट में गैंगस्टर के मामले में सरेंडर कर दिया था। जबकि 3 दिनों पहले ही पुलिस ने एक गुड़वा चौकी के पास एनकाउंटर में अमेठी जिले के रहने वाले 3 बदमाशों सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला हरिजन को गिरफ्तार किया था। उनके पैर में गोली लगी थी। जबकि आज सुबह के एनकाउंटर में मंगेश यादव और उसके साथी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें मंगेश यादव का साथी तो फरार हो गया लेकिन मंगेश यादव को गोली लग गई, जिसे घायल हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया। मंगेश यादव पर 1 लाख का इनाम था। अखिलेश यादव ने इसी पर सवाल उठाया कि गैंग का सरगना सरेंडर करता है, जो कि ठाकुर बिरादरी से है। 2 एनकाउंटर होते हैं जिसमें सिर्फ मंगेश यादव ही मारा जाता है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पहले भी जाति विशेष को टारगेट करने का आरोप योगी सरकार पर लगा चुके हैं। सुनिए जरा, वैसे इस केस में एसपी के मुताबिक कौन कौन लोग आरोपी हैं और किस कास्ट से हैं, जरा वो भी देख लीजिए। इस केस का सरगना अमेठी का विपिन सिंह बताया जा रहा है। वही अमेठी का फुरकान अनुज प्रताप सिंह अरबाज आरोपी बनाए गए हैं, जबकि विनय शुक्ला, मंगेश यादव, अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह, ये भी यहाँ पर आरोपी पुलिस की तरफ से बनाए गए हैं। वैसे अखिलेश यादव के आरोपों पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। सुल्तानपुर से महेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।